अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों का पेशेंट सेफ्टी का सब्जेक्ट है, ठीक है, कोर्स है पेशेंट सेफ्टी 1 का, और मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आप लोगों को पेशेंट सेफ्टी पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। मेरा नाम फ्रोज़ा है, फ्रोज़ा बेग, ठीक है। और आप लोग जो हैं वो कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? सारे डिफरेंट सेमेस्टर से हैं या एक ही सेमेस्टर के हैं? 6 सेमेस्टर। सारे स्टूडेंट 6 सेमेस्टर के हैं मैम? मेजॉरिटी 6 सेमेस्टर के। ठीक है, और कौन से डिसिप्लिन से हैं आप लोग? एमएलएस से, डीपीटी से? डीपीटी से मैम। ठीक है, मेरे पास कोई 130 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 140 के करीब, ठीक है। तो आप सारे डीपीटी के हैं? यस मैम, ये सेक्शन सारा डीपीटी का है। अच्छा, ठीक है। तो सीन ये है कि इस सब्जेक्ट आप लोगों का काफी छोटा सा है, थ्योरेटिकल सा है, इंटरेस्टिंग भी है, मजे का भी है, इसको हम पढ़ेंगे सही तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्लास ट्यूसडे को हुआ करेगी खाली। हाँ जी, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये है ही शायद 1 credit hour का या 2 credit hour का, तो उसके लिए जो क्लास होगी। हाँ जी, 1 का है बिल्कुल। और इसके लिए फिर जो होता है आप लोगों का लेक्चर वीक में एक दफा हुआ करेगा, और ट्यूसडे को आप लोगों का, अभी रमजान वाली टाइमिंग तो 11 बजे है, वैसे 4th स्लॉट में ही आपका लेक्चर हुआ करेगा, ठीक है, ट्यूसडे को 4th स्लॉट में। और इसके अलावा ये है कि इसके लेक्चर्स भी थोड़े से हैं, सब्जेक्ट भी छोटा सा है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। कुछ आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं बोलती जाऊंगी तब आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा, जब तक आप इसमें खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लोगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कुछ छोटी छोटी मोटी असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। और असाइनमेंट यानी वो इस तरह होगी कि मैं छापे मारने वाली असाइनमेंट्स नहीं दूंगी, ठीक है, कि आपको टॉपिक दे दूंगी, आप इस पर एक बनाकर मुझे प्रेजेंटेशन या कुछ भी मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। असाइनमेंट दूंगी, आप लोगों ने उसको पढ़ना होगा, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करना होगा, और मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स लगाऊंगी, ठीक है। तो जो है इसलिए आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ना मुझे चाहिए क्लास में, ठीक है जी। इसके अलावा जो है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड शेयर कर लेती हूँ, और आज हमारा इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है, तो इसलिए हम इसको ज़रा शॉर्ट ही रखेंगे। जी, बाकी आवाम जो है, मेरे पास कोई 45 के करीब बच्चे इस टाइम क्लास में है, 44 के करीब, तो एक बच्चे के अलावा आप लोग भी अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, कुछ शेयर करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम इसका असेसमेंट प्लान बता दें। असेसमेंट प्लान जो है इसका मैं आप लोगों के मूडल पर ही डाल दूंगी, एलएमएस के ऊपर, ठीक है। इसका असेसमेंट प्लान उसमें यही है, असाइनमेंट्स हैं कुछ, और ग्रेडेड यानी जो असाइनमेंट होंगी वो है, आप लोगों का क्विज होगा एक, ठीक है, और साथ वाइवा है आप लोगों का, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जैसे एक प्रॉपर प्लान होता है वो बना हुआ है, मैं उसके ऊपर शेयर कर दूंगी मूडल के ऊपर, आप लोग वो देख सकते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। अच्छा जी, पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी, कि पेशेंट सेफ्टी बेसिकली है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। पेशेंट सेफ्टी जो है ये आपके पास एक मेडिसिन का, मेडिकल स्टडीज का, मेडिकल नॉलेज का एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, ठीक है, एक प्रॉपर ये आपके पास सब्जेक्ट है, प्रॉपर कोर्स है। यानी ये इस तरह नहीं है कि पेशेंट सेफ्टी आपने खोला और आपको मतलब ये होगा कि भाई पेशेंट को आपने कैसे हैंडल करना और बस आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। इस ये जो सब्जेक्ट बना था इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज हुई थी, कुछ केसेस हुए थे, कुछ ऐसे लीगल केसेस हुए थे, लॉ सूट्स हुए थे बाकायदा,
जिनके बाद जो है फिर ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो उनको इस चीज़ से आगाह करें, उनको ये समझाए कि पेशेंट सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप उसको उसके अंदर जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आपके पास एरर्स आ सकती हैं, ह्यूमन एरर्स आ सकती हैं, आप उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ठीक है, और आप अपना जो आपका आउटकम है, आपका ये जो पेशेंट सेफ्टी का जो आपका गोल है, आप उसको प्रॉपरली अचीव कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके पेशेंट सेफ्टी की एक थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, इसकी बैकग्राउंड में हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। अभी फिलहाल अब हमारा छोटा सा लेक्चर है उसको हम ऐसे कवर करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इज अवॉइडेंस, प्रिवेंशन, एमिलियोरेशन ऑफ एडवर्स आउटकम्स और इवेंट्स स्टेमिंग फ्रॉम हेल्थ केयर बॉडी। पेशेंट सेफ्टी आपके पास क्या है कि जो आपके पास जो भी एडवर्स आउटकम्स आ रहे हैं या एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं, आप उनको अवॉइड कैसे कर सकते हो, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, जो कि आपकी जो हेल्थ केयर बॉडी है, जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी वजह से पेशेंट्स को आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस कोर्स का गोल आपके पास ये है कि आपने पेशेंट सेफ्टी को, पेशेंट केयर को बेहतर कैसे बनाना है, आपने जो आपके एंड पे जो गलतियां आती हैं आपने उनको रिड्यूस कैसे करना। अच्छा जी, अभी आपके पास इसमें जो कुछ पॉइंट्स आते हैं ये है कि प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पेशेंट्स, आपने जो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई हार्म आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है वो जब भी आप लोग अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की ओरिएंटेशन होते हैं, उसमें आप लोगों से एक ओथ भी लिया जाता है, हिपोक्रेटिक ओथ उसको कहते हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स का वो होता, और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें आती है कि वो यही है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कि डू नो हार्म, कि आपने कोई आपकी वजह से कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सीडेंटल और प्रिवेंटेबल इंजरीज प्रोड्यूस बाय मेडिकल केयर, यानी मेडिकल केयर की वजह से कोई इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं या कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं तो आपने पेशेंट को उन चीज़ों से फ्री रखना है, ठीक है, जो मेडिकल रीजंस की वजह से आपसे कोई गलतियां हो सकती हैं। फिर आपके पास आता है कि अ सिस्टम ऑफ केयर डिलीवरी दैट प्रिवेंट्स एरर एंड लर्न्स फ्रॉम एरर्स दैट अकर, कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम बने जो केयर डिलीवरी का जो कि एरर्स को कम करता है, उनको रोकता है, और अगर जो एरर्स ऑलरेडी आपके पास हो चुकी हुई हैं आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो और उनको बेहतर बनाते हो, ठीक है जी। समझ आया है कि पेशेंट सेफ्टी जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। यस मैम, यस मैम। अब इसमें फिर आपके पास अब ये जो कुछ लेक्चर्स हम लोगों के पास बने हुए हैं, ये लेक्चर्स बेसिकली WHO की, यानी जो आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कि उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, मैंने आप लोगों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। और यानी ये आप इसके इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा यहीं से लगा लो कि इस सब्जेक्ट की एक आउटलाइंस में और इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके बीच में जो आपका जो WHO है प्रॉपर इन्वॉल्व है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसकी सारी स्लाइड शेयर की हुई है, हर चीज़ शेयर की हुई है कि ये आप लोगों ने खुद कैसे पढ़ना है और आपने अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, ठीक है जी। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक बुक भी शेयर करूंगी, आप लोगों के मैं मूडल पे वो डाल दूंगी। थोड़ी सी ये सब्जेक्ट बेसिकली आप ये समझ लें आसान अल्फाज में कि ये कहानी बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। आप जब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं ना लोगे कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये उस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जो आप अपने मेडिसिन के जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लिया और ये कर लिया तो आपका काम हो गया, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इसको आप एज अ कहानी आप इसको शुरू करोगे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका लेगा लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप एक दफ़ा मतलब अगर एक चैप्टर आप आधा घंटा लगा के घंटा लगा के पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी आपकी एफर्ट भी मुझे इसमें चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड इट्स रोल इन मिनिमाइजिंग द इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स इवेंट्स एंड मैक्सिमाइजिंग द रिकवरी फ्रॉम देम। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो यही है कि आपने पेशेंट सेफ्टी का जो डिसिप्लिन है आपने प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने इसका रोल देखना है कि जो भी आपके पास एडवर्स इवेंट्स होते हैं, जो भी एरर्स होती हैं, कोई भी आपके पास ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसमें पेशेंट सेफ्टी को इस्तेमाल करते हुए उसका जो रोल है वो आप इन चीज़ों को मिनिमाइज करने में एडवर्स रिएक्शंस को, एडवर्स इफेक्ट्स को आप कैसे एम्प्लॉय कर सकते हो और इनसे आपकी जो रिकवरी है यानी जो आपका आउटकम है आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है, ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फिर आपके पास जो चीज़ें आप लोगों को नॉलेज रिक्वायरमेंट है उसमें ये है
कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले ये है कि हार्म कॉज्ड बाय हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स, यानी आपके पास आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर आपके पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गलतियाँ करते हैं, एरर्स होती हैं, और उनकी वजह से जो आपके पेशेंट्स हैं उनको कोई ना कोई हार्म होता है. ठीक है, अब अगर हम जैसे वो हिपोक्रेटिक ओथ की बात थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि डू नो हार्म, आपने कोई हार्म नहीं करना. और अगर आपकी वजह से कोई हार्म, यानी आपसे मुराद यानी आप हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह से रिड्यूस करना. ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके जो एरर्स हैं और जो फेलियर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से हार्म कर सकते हैं. आपको जब ये पता होगा कि एरर्स क्या है तो उसके बाद ही आप उनको रिड्यूस करने की तरफ जाओगे ना, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए. फिर ये क्या है कि लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज. मेडिकल इंडस्ट्री की तो बात हो गई, अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करो तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं. ठीक है, तो जो वहाँ की जो सिस्टम फेलियर है और एरर्स हैं जो आपसे रिलेट करते हैं आपने उनको स्टडी करना है, उनके बारे में आपने देखना है. उसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, कि वो भी आपके साथ लिंक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मेडिकल के साथ लिंक है. ठीक है, वहाँ से अगर कोई गलती होगी तो एट दी एंड आके वो आपके हिस्से में भी आएगी. अगर वहाँ से दवाइयों की पैकेजिंग में गलती होती है, वो गलत लेबल लगा देते हैं और आप वही दवाई जो है बगैर देखे बगैर समझे आप उठा के किसी पेशेंट को लगा देते हो, तो ये एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है एरर्स का. समझ रहे हो इस चीज़ को कि किस तरह से जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी जो फेलियर है, सिस्टम फेलियर है और जो एरर्स हैं उनको बढ़ाने में अपना रोल प्ले करती हैं. ठीक है, तो ये इन चीज़ों को भी आपने अपने माइंड में रखना है. फिर आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट सेफ्टी का जो पूरा बैकग्राउंड है उसकी हिस्ट्री क्या है एंड द ओरिजिन्स ऑफ द ब्लेम कल्चर. एक ब्लेम कल्चर नाम की चीज़ आपके पास आई थी, आपके पास एक ट्रेडिशनल तरीका था जो भी कोई एरर्स होती थी, जो भी कोई मसले होते थे, जो भी कोई हार्म्स होते थे उनको ब्लेम करने का. कि आप जाहिर बात है अगर आप एक ऑपरेशन थिएटर की बात करो तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं एक पेशेंट के साथ. उसमें डॉक्टर है, मतलब उसमें सर्जन है, फिजिशियन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, उसमें नर्स भी होगी, उसमें एनेस्थीसिया वाला पर्सन भी होगा, उसमें काफ़ी सारे बंदे यानी आपके पास एक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं. अब मसला अगर पेशेंट को कोई गलती होती थी, ट्रेडिशनली ये किया जाता था कि पेशेंट के साथ अगर कोई मिसहैप होता था तो वो हर बंदा एक दूसरे के ऊपर डालता था जो कि इमिजिएटली उस पेशेंट के साथ लिंक्ड होता था या जिसने उसका कोई काम करना होता था. अगर डॉक्टर है तो वो यानी सर्जन है तो वो अपने से छोटे सर्जन के ऊपर डाल देगा, जो जूनियर सर्जन है उसके ऊपर डाल देगा कि इसकी गलती थी, जूनियर सर्जन नर्स के ऊपर डालेगा कि ये उसकी गलती थी कि उसने जी वो गलत आईवी लगा दी. इस तरह करते करते जो है ये ब्लेम कल्चर आपका चलता रहता था, ब्लेम गेम चलती रहती थी. ठीक है, तो इसके ओरिजिन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसको दूर कैसे किया गया, इसको क्लियर कैसे किया गया, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. फिर हमने देखना है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम फेलियर्स, वायोलेशंस एंड एरर्स. ये टर्म जो है आप जब आप पेशेंट सेफ्टी का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये जो टर्म्स हैं सारी फेलियर की, वायोलेशन की, एरर्स की, मिस्टेक्स की, लेटेंट मिस्टेक्स हैं आपके पास, एक्टिव मिस्टेक्स हैं, ये कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जिनके बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं. ठीक है, और आपने इनको रिड्यूस किस तरह से करना है, और फिर आपके पास पेशेंट सेफ्टी का जो मॉडल है हमने उसको डिस्कस करना है इंशाल्लाह. अब हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आती है कि आप अभी तो नॉलेज रिक्वायरमेंट थी कि हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए. ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ें जो है उन चीज़ों को आप किस तरह से परफॉर्म करके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो पेशेंट सेफ्टी का. ठीक है, तो वो किस तरह है कि अप्लाई पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग इन ऑल क्लिनिकल एक्टिविटीज़. के जो पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग है जो हम पढ़ेंगे उसको आपने जो आप क्लिनिकल एक्टिविटीज़ जब भी आप करोगे तो आपने उनको अप्लाई करना है. फिर आपने क्या करना है कि डेमोंस्ट्रेट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन सेफ हेल्थ केयर डिलीवरी एंड ऑप्टोमाइज आवर हेल्थ केयर सर्विसेज. अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये अपने अंदर इस तरह की एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप जो पेशेंट सेफ्टी का रोल है उसको आप देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर में. ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी में, और आप किस तरीके से अपनी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उनको आप बेहतर बना सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने अब देखी हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको क्या होगा, आपका गोल क्या होना चाहिए, फिर आपकी नॉलेज रिक्वायरमेंट कि आपको किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो तो आपने उसको अप्लाई कैसे करना. ठीक है जी मैम, ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये दोबारा क्लियर कर दें. कौन सा? पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग का. यस मैम. अच्छा जी, इसमें ये नहीं यही है कि जो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे ये बेसिकली आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ठीक है, इसमें जो चीज़ें अभी हम बातें करें इनको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे. ठीक है,
तो अप्लाई सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम पहले एरर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है, फिर हम उनके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि आप उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. वो हम कैसे पढ़ेंगे, वो हम कोई जो प्रीवियस स्टडीज हुई होंगी, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, कुछ हमारे पास ऐसी रिसर्चेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई किया और फिर उन्होंने जो अपना जो पेशेंट सेफ्टी का गोल था कि उसमें उनके पास कम से कम गलतियाँ हैं, उन्होंने उसको अचीव किया. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं कि अगर उनके एंड पे गलती हो तो वो गलती किस तरह से आपके पास भी आ सकती है और वो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो ना. तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं. आप यानी अगर आप एक मेडिकल के शोबे की बात करो तो अगर आप एक किसी डॉक्टर के कमरे की बात करो तो उसमें कितनी चीज़ें ऐसे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो कि दूसरी जगहों से लिंक है, ठीक है. आपने फिर उन गलतियों को रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है. अब अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें तो उसमें हमारे पास इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि अगर दवाई पीछे से पैक होकर आई है तो फिर भी आपने उसको आपके पास आपके हेल्थ केयर सिस्टम में आपके हॉस्पिटल में भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा बंदा या कोई भी इस तरह का पर्सनल होना चाहिए जो कि उसको ऑब्जर्व करे, वो देखे कि अच्छा जो दवाई बाकी वहाँ से पैक होके आई है कि वो सही पैक हुई है, ये वही मेडिसिन है जो कि हमने अपने पेशेंट को देनी है, गलत डोज तो नहीं है, डोज गलत तो नहीं लिखी हुई, ठीक है. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो अप्लाई करने का मतलब ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो फिर आप उस तरह के इस बेतहाशा जो मॉडल्स हैं आप उनको किस तरह से अपनी जो डेली प्रैक्टिस होगी आप उसमें लेकर आओगे, ठीक है, और फिर उनसे आप अपना जो एरर्स वाला जो पॉइंट है आप उसको क्लियर करोगे. इस तरह से आप अपनी जो पेशेंट सेफ्टी की जो स्किल्स हैं और जो थिंकिंग है वो आप अपनी जो क्लिनिकल एक्टिविटीज है उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करके उसके बाद उन मॉडल्स को अप्लाई करके, ठीक है जी. अब आपके पास एक चीज़ आती है कि हार्म कॉज्ड बाय हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स, ठीक है. इसमें अब हमने क्या चीज़ें देखनी है कि आपने देखना है कि जो हमें अभी हमने बात की कि जो डू नो हार्म वाली जो चीज़ थी, ठीक है, तो उसमें जो हार्म है वो आपका किन किन चीज़ों में आ सकता है. हार्म जो है उसमें आ सकती हैं आपके पास एक्सटेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स, कोई भी एडवर्स इवेंट्स है वो कितनी एक्सटेंट तक जा सकते हैं हमने उनको स्टडी करना है. फिर जो एडवर्स इवेंट्स हैं जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो तरह के होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, वो क्या होती हैं, हमने ये देखना है, ठीक है जी. फिर हमने इकोनॉमिक कॉस्ट देखनी है कि आप उनको किस तरह से, यानी ये भी आपके पेशेंट के हार्म में चला जाता है, आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो. फिर ह्यूमन कॉस्ट है, डायबेलिंग है, डेथ है, आप इन तरह की जो चीज़ों को डेथ वगैरह रिड्यूस तो नहीं आप कर सकते, लेकिन हाँ जिन फैक्टर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो आप उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी हद तक जो है वो उसको रिड्यूस करने में आप हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है जी. उसके बाद अगली जो चीज़ आती है आपके पास वो आपके पास आती है कि लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, जो हमने अभी ऊपर बात की थी, ठीक है, जो आपकी नॉलेज रिक्वायरमेंट थी कि आपको पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है. इन्वेस्टिगेशंस जो हैं जो पिछले टाइम में कुछ ऐसे हादसात हुए हैं कि उनके जब इन्वेस्टिगेशंस की गई उनके ऊपर प्रॉपर केसेस बनाए गए तो उसमें ये चीज़ें फिर हम लोगों ने देखी कि उनसे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन हमें क्या दिखाया. इन्वेस्टिगेशंस जब हुई तो उसके बाद फिर उनको उनका आउटकम क्या निकला कि उनकी वजह से जो है चीज़ें जो थी वो रिड्यूस कैसे की गई, जो एरर्स उनको रिड्यूस कैसे किया गया. फिर हमने देखना है कि व्हाट इज़ द सिस्टम्स अप्रोच. अब हमारे पास एक मॉडल आता है कि सिस्टम्स थिंकिंग क्या होती है, सिस्टम्स अप्रोच क्या होती है, ये भी हमारे पास एक मॉडल है. इस मॉडल में बेसिकली ये था कि थोड़ा सा मैं इसका एक बैकग्राउंड दे देती हूँ, इसको हम डिटेल में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सिस्टम्स अप्रोच में बेसिकली चीज़ ये थी कि आपके पास जो ह्यूमंस हैं वो हमेशा गलती करते हैं, ठीक है. आपके पास ह्यूमन एरर का जो एक पॉइंट है, जो कंटेंट है, वो हमेशा रहता है. इंसान है ना, मशीन नहीं है, आप गलती कर सकते हो किसी भी लेवल पे. हो गए आप कितने बड़े से बड़े सर्जन, डॉक्टर, कुछ भी बन जाओगे, बड़े से बड़े अपने जो भी आप अगर DPT कर रहे हो तो बड़े से बड़े फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे. गलती का चांस आपके पास होगा, हमेशा होगा, ठीक है, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान जो है वो खता का पुतला है, ठीक है. ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं. उसके बाद क्या है कि अब जो सिस्टम थिंकिंग में ये चीज़ आती है कि आपकी जो सेफ्टी है, पेशेंट सेफ्टी जो है वो डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि आपने ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं, ठीक है, कि जो इन एरर्स को देखें, इनको एंटिसिपेट करें, इनको एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ये गलती हो सकती है, फिर क्या करें कि या तो ये इनको प्रिवेंट करने के लिए काम करें या फिर इनको प्रिवेंशन तो मतलब वही चीज़ हो जाती है कि वो उनको होने से पहले ही कैच कर लें और फिर उस चीज़ को कवर कर सकें, उस चीज़ को ख़त्म कर सकें कि अच्छा ये चीज़ इस गलती के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे ये गलती हमसे हो सकती है तो हम पहले से ही कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा सिस्टम बना लें जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकें. और सिस्टम्स अप्रोच में फिर आपके पास वो आपके डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं कि आपने कैसे उनको
जो है वो खत्म करना है, जो आपके पास एरर्स आती हैं, जो आपके पास मिस्टेक्स आती हैं। फिर आपके पास एक चीज़ थी स्विस चीज़ मॉडल, ठीक है। स्विस चीज़ मॉडल बेसिकली क्या था, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी और बाकी जो है आप लोगों ने मुझे बताना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट एक तरह से है कि स्विस चीज़ मॉडल जो है हेल्थ केयर सिस्टम में वो क्या होता है, ठीक है, आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड हुई, और फिर हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों की एक असाइनमेंट है स्विस चीज़ मॉडल जो है, ये आप लोगों ने, आप इसको आप लोगों की चॉइस है, अपने ऊपर किसी पेज पे लिख कर करना चाह रहे हो वो कर लो, मैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन देखूंगी, ठीक है। आप लोगों के मार्क्स लगाऊंगी उसके अकॉर्डिंग कि किस बच्चे ने कितनी एफर्ट की है उसको समझने में या उसको पढ़ने में, ठीक है। आप लोगों के पास यूट्यूब अवेलेबल है, आप लोगों के पास स्लाइड शेयर अवेलेबल है, हर चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। आप खोल के देखें, पढ़ें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, और उसके बाद जो फिर पीछे जो कुछ गलतियां और जो कुछ कमियां आपकी तरफ से रह जाएंगी उसको फिर मैं हेल्प आउट करूंगी आप लोगों को दूर करने में, ठीक है। अच्छा जी, स्विस चीज़ मॉडल जो है बेसिकली ये क्या था कि इसमें ये हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए एक इस तरह का मॉडल डेवलप किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आपके पास कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम हेल्थ केयर में बात करें तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका हॉस्पिटल है, कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी आपके पास फेलियर्स हैं या जो भी आपके पास एरर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनकी डिफेंस के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट बैरियर्स आते हैं, ठीक है। एक बैरियर है वो एक तरह की आपके पास जो फेलियर है उसको प्रिवेंट कर रहा है, एक बैरियर जो है वो एक तरह की फेलियर को जो है वो उसको डिफेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो जैसे आपके पास चीज़ के स्लाइस होते हैं, यहाँ पे ये वो वाला चीज़ है वो जो हम टॉम एंड जेरी में नहीं देखते थे जिसमें वो भाग रहे होते हैं चीज़ के पीछे, ये वो वाला चीज़ का स्लाइस है, ठीक है, कि उसके अंदर से जो है मतलब गलतियाँ आप कर रहे हो, उस डिफरेंट स्लाइसेज हैं वो एज अ बैरियर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो बैरियर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि आपके पास जो भी एरर्स हैं उनको वो किस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। द होल्स इन द स्लाइसेज रिप्रेजेंट द वीकनेसेस इन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड आर कंटिन्यूअली वेरिंग इन साइज एंड पोजीशन अक्रॉस द स्लाइसेज। अब इसमें आपके पास क्या है कि जो स्विस चीज़ के अंदर जो आपके पास जो स्लाइसेज जो होल्स हैं बेसिकली वो आपका जो एक सिस्टम है उसकी वीकनेसेस को बता रहे हैं, ठीक है। और वीकनेसेस जो है अभी आपकी डिफरेंट पार्ट्स पे कभी बढ़ी हैं साइज में, कभी कम हो रही हैं, डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वीकनेसेस को करने में, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिकली स्विस चीज़ मॉडल के एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन थी। ये भी स्विस चीज़ मॉडल का ही एक वो बनाया गया था कि किस तरह से जो है आप आपके पास गलतियाँ आती हैं और आप उनको रिड्यूस कर सकते हो। उसमें आपके पास एक्टिव फेलियर्स हैं, आपके पास लेटेंट फैक्टर्स हैं, एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, डिफेंस जो है आपका वो क्या हो सकता है, और एंड पे आके आपके पास जो है वो आपकी गलती कहीं ना कहीं पे हो ही जाती है, ठीक है। अब ये जो मॉडल था स्विस चीज़ मॉडल, ये जो यहाँ पे इस इमेज में दिखाया हुआ है, ये बेसिकली था कि जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में जो गलतियाँ आती हैं वो किस वजह से आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्विस चीज़ मॉडल, आप लोग इस पे ना रहे ना कि किसके बारे में बात हो रही है, आप लोगों ने सिर्फ जनरली एक स्विस चीज़ मॉडल के बारे में स्टडी करना है कि ये होता क्या है और ये हेल्थ केयर सिस्टम्स में जो है ये किस तरह से आप लेकर आए हो, लाया गया है, ठीक है जी। फिर आपके पास आती है कि हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड ओरिजिन ऑफ द ब्लेम कल्चर, के ब्लेम कल्चर हेल्थ केयर में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लेम कल्चर किस तरह से वर्क करता है, व्हाई डू वी ब्लेम, हम ब्लेम क्यों करते हैं, जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे होते तब हम ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, ठीक है। पर्सन अप्रोच क्या थी, सिस्टम्स अप्रोच क्या थी, ठीक है, इन सबको हम इन डिटेल देखेंगे। फिर आपके पास आती है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स वायलेशंस एंड एरर्स, कि आपके पास इन सारे जो टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है, वायलेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है बेसिकली वो आपका एहतसाब होता है, ठीक है, कि आपने अगर कोई ऐसी हरकत की है, गलत हरकत की है, तो आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक है। वायलेशंस हैं, टाइप ऑफ वायलेशंस हैं, एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स आपके पास आती हैं। अच्छा जी, जो आपके पास पेशेंट सेफ्टी का जो मॉडल है बेसिकली ये उन लोगों के लिए आता है, उन दो लोगों के लिए आता है, ठीक है। दो लोग कौन से होंगे आपके पास, जो कि आपके पास काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में, और दूसरे आपके पास वो लोग हैं जो कि ये हेल्थ केयर जो आपका सिस्टम है, जो आपकी हेल्थ केयर है उसको वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी सिस्टम का फॉर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, यानी हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेसेस में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है कि वो आपका किस तरह का होगा, और आपके पास जो फीडबैक के जो मेथड्स हैं और जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के जो आपके पास मेथड्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, आप किस तरह से बेहतर बना सकते हो, ठीक है जी। अब आपके पास ये चीज़ आती है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। अब पेशेंट और क्लिनिशियन का जो है वो आपस में लिंक किस तरह से है, ये नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। पेशेंट वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो फैक्टर्स आएंगे वो बेसिकली आएंगे कि वो इलनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके सोशल सर्कमस्टेंसेज हैं,
एटीट्यूड टू रिस्क है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, हर पेशेंट का तरीका इलाज जो है, यानी जिस तरीके से वो अपना इलाज करवाना चाह रहा है वो डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, उसकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, ठीक है। क्लिनिशियन जो है उसका क्या काम है, उसने डिजीज को डायग्नोस करना है, डिजीज की एटियोलॉजी देखनी है कि डिजीज कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से आ रही है, प्रोग्नोसिस देखना है कि इस डिजीज का आउटकम क्या हो सकता है, उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे होने चाहिए और जो आउटकम की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो ये उसका काम है क्लिनिशियन का, ठीक है। और ये चीजें आपस में लिंक है और ये सारा कुछ आपके पास मिलकर आपका एक पेशेंट सेफ्टी का डिसिप्लिन बनाती है जब आप उनको इन डिटेल स्टडी करते हो। अच्छा जी, फिर आपके पास एक चीज आती है कि आप जो आप स्टूडेंट हो आपका क्या काम है। अभी तक जो चीजें हम अभी तक थोड़ी बहुत डिस्कस किए हैं वो बेसिकली तब की है कि जब आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाओगे उस टाइम जो है वो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अभी आप एक स्टूडेंट लेवल पे हो तो अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए कि आपने देखना है, आपने अंडरस्टैंड करना है द मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फेलियर्स, कि आपके पास जो सिस्टम फेलियर्स आएंगे उसमें जो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपको आपके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उनको अवॉइड कर सकोगे। अवॉइड ब्लेमिंग, ठीक है, जो ब्लेम कल्चर था उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड केयर, आपने एविडेंस बेस्ड केयर जो है उसको प्रैक्टिस करना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी एक आपके पास इसी तरीके से जैसे पेशेंट सेफ्टी का डिसिप्लिन है मेडिसिन का, उसी तरीके से आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो भी मेडिसिन का एक डिसिप्लिन है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास ये है कि मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर फॉर पेशेंट, ठीक है, कि जो पेशेंट केयर है वो आपकी कंटिन्यूस रहनी चाहिए, उसको आपने मेंटेन रखना है। बी अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ केयर की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे, सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। और एक्ट एथिकली एवरीडे, आपने एथिकली किस तरह से एक्ट करना है जब आप अपने एक सेटिंग में होगे, क्लिनिकल सेटिंग्स में होगे, क्लिनिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे, ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, ये आप लोगों का आज का छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर था कि आपने या हमने, यानी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप कि कुछ ना कुछ पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और हमने इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है, कि स्विस चीज़ मॉडल जो है ये आप लोगों ने स्टडी करना है, आप लोगों ने पढ़ना है इससे रिलेटेड, ठीक है। और आप लोगों ने फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे क्या होता है, और साथ साथ देखते रहेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आसान आसान से हैं, कोई ये तरफ मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जो सब्जेक्ट है पूरा ये है ही इस तरह का कहानी बेस्ड है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली स्टडीज को देखना है, वहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी आपने उनको देखना है, फिर उन्होंने अपनी गलतियों को दूर करने के लिए जो अपने पास मॉडल्स बनाए थे हमने थोड़ा सा एक दो मॉडल्स को डिस्कस करना है। फिर हमारे पास कुछ लेक्चर्स वो आएंगे कि जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स में देखना है कि अगर आप मतलब अगर आप मेडिसिन की बात करें तो आप उसमें जो गलतियाँ होंगी उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इंटरवेंशनल जो गलतियाँ हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड या मैम? जी मैम, ये जो उसके अंदर बैरियर्स का पॉइंट था स्विस चीज मॉडल में, मैम वो क्या चीज है, बैरियर किस चीज को कहा गया है? बैरियर बेसिकली जो है ना वो इन चीजों को कहा गया है कि आपके पास यानी अगर एक सिस्टम है, ठीक है, अब आप देखो बैरियर्स बेसिकली आपने खुद लगाने हैं। ये चीजें असल में वो हैं जो आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है। ये अगर मैं ही आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों के असाइनमेंट का रह जाएगी। नहीं नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि बैरियर्स मतलब उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को कहा गया है, मतलब ये चीज पूछ रही हूँ। ये है जो मॉडल है ना स्विस चीज मॉडल जो है बेसिकली वो आपके पास जो पूरा समझोगे आपके पास जो चीज का स्लाइस है ना वो आपके पास आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका एक हॉस्पिटल है, ठीक है। हम हेल्थ केयर पढ़े हैं तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है। अब वो आपका जो स्विस चीज का जो स्लाइस है पूरा स्लाइस है वो आपके पास आपका हॉस्पिटल है। अब उसके बीच में जो बैरियर्स हैं बेसिकली वो बैरियर्स हैं जो आपने लगाने हैं अपने जो फेलियर है उनको कम करने के लिए, होल्स को फिल करने के लिए। हाँ जी, होल्स को और उसके बीच में, हाँ, और उसके बीच में से भी जो कुछ आपके पास होल्स जो जारी बात है स्लाइस चीज का स्लाइस है उसके बीच में होल्स हैं डिफरेंट। अब वो होल्स जो है बेसिकली वो जो आपने बैरियर्स लगाए हुए हैं वो उनके दरमियान में आपके सिस्टम की वीकनेसेस हैं, ठीक है। ओके, आप यानी जितनी मर्जी बैरियर्स लगा लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो कहीं ना कहीं उस सुराख में से कोई गलती निकल ही आती है, यानी ये बेसिकली चीज बीच में है, ठीक है।
तो आप लोगों ने ये तो अभी मैंने खैर आप सिंपल वर्ड्स में बताया कैसे है, अभी ये आप लोगों ने स्टडी खुद करना है कि स्विस चीज मॉडल क्या होता है, हेल्थ केयर में क्या होता है, ठीक है? और इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोगों से पूछूंगी और फिर आप लोगों को इन डिटेल जो है फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है। ठीक है मैम, हमने ये असाइनमेंट सिर्फ मतलब पढ़ के आनी है ना, मतलब इसका सारा कुछ कुछ क्या तो लिखना है? नहीं नहीं लिखना नहीं है, पढ़ लो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? लिखने के लिए मैं फिर अलग से असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है? कि इसको लिख लो अब। तो अभी खैर अभी तो पहला टॉपिक है, तो अभी सिर्फ इसको स्टडी, अभी तरह अपना माइंड बनाओ ना पढ़ने के लिए, ठीक है? फिर आज लिखने वाली असाइनमेंट भी, लिखने वाली असाइनमेंट का मुझे तो लगता है ऐसे उस तरह से फायदा होता नहीं है क्योंकि छापे आप लोगों ने मारने होते हैं, तो बजाय पढ़ लो और हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगी, इंडिविजुअली भी पूछ लूंगी, नाम ले लेके पूछूंगी, इसलिए सारे पढ़ कर आना, ठीक है? अभी जो बच्चे बिल्कुल तौफीक नहीं कर रहे अपने माइक ऑन करने की, वो ऑन करेंगे उनसे मैं करवाऊंगी, ठीक है? और इसके मार्क्स लगेंगे, इतना मैं बता रही हूँ, मैंने शीट्स बनाई हुई है, इसके मार्क्स लगेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को ओके मैम, ओके ओके मैम। एक लेक्चर है, इतनी एफर्ट आप लोग कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट क्लैश है हमारी फार्माकोलॉजी 2 क्लास के साथ, तो इस वजह से हम लोग ज्यादा ध्यान उस तरफ दे रहे हैं, एक टाइम पे दो दो क्लासेस नहीं ली जाती है। हमारा भी इंग्लिश 3 के साथ क्लैश आ रहा है, सेम टाइमिंग पे अब इंग्लिश की भी क्लास हो रही है हमारी C19 की, तो आप मैं अपनी टाइमिंग आप लोग या तो फिर देखो, अगर आप लोग सारे एक ही सेमेस्टर के हो, एक ही डिसिप्लिन के हो, ठीक है, तो आप लोगों को जो टाइमिंग सूट कर रही है फिर या तो आपस में डिस्कस करके मुझे वो टाइमिंग बता दो, ठीक है? मैंने बताया कि मेरे पास कोई 140 बच्चे हैं अभी क्लास में, जो है वो सिर्फ 60 प्रेजेंट हैं, ठीक है? अब 140 बच्चों में से किसी एक का भी क्लैश ना आए तो ये थोड़ी सी मुश्किल सी बात है, हाँ, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों का आ रहा है तो आप लोग आपस में ये चीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। आई एम श्योर आप लोगों के बात होती होगी, ग्रुप्स भी होते होंगे। मैम ये ज्यादा सारे बच्चों का क्लैश नहीं है, थोड़े से बच्चों का क्लैश है, तो मतलब जितने बच्चे हैं जिनका क्लैश है वो कुछ आपस में इस तरह की कोऑर्डिनेशन कर लें, या आप मतलब देख लो कि आप लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का वीक में तो लेक्चर एक ही होगा, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी का। तो अगर टाइमिंग अगर चेंज करनी है तो मुझसे फिर आप लोग डिस्कस कर लो, अपना एक टाइम सोच लो कि आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक, क्योंकि मेरा सैटरडे ऑफ है, ठीक है, कि मंडे से फ्राइडे तक आप लोग जो है वो किस टाइम पे फ्री हो सकते हो, टाइमिंग आप लोगों को पता है, तो जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है तो उसमें अगर कोई स्लॉट अवेलेबल है तो फिर हम उसमें लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ये कि आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट कर लो, अब ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों के कहने पे क्लास का टाइम चेंज करवा दूं फिर बाद में और बच्चे आने के अब तो हमारे साथ क्लैश आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं मैम डिस्कस करते हैं, मैम यही ठीक है, मैम यही टाइम ठीक है। मैम जिनका क्लैश आ रहा है उन ये लोग सरफ नान से बात करें, वो सरफ नान खुद ही टाइमिंग का सेट कर देंगे किसी और मतलब सेक्शन में, या तो इनको भेज देंगे, क्योंकि मैम ये ज्यादा सारे बच्चे नहीं है, बात ये फातिमा और ना हर सेक्शन की तकरीबन सेम टाइमिंग है, तो फिर अब हम लोग ये सब्जेक्ट छोड़ देंगे। नहीं मैम सरफ नान ने, क्योंकि आपका सिर्फ एक दिन ही लेक्चर होता है, तो आप अगर कर देंगे क्योंकि वो हमारी क्लासेस पहले से चल रही है, तो अब वो तो टाइमिंग नहीं ना चेंज हो सकती, आप क्योंकि एक लेक्चर है तो आप मैनेज कर सकती है। मैं मैनेज करने को तैयार हूँ, लेकिन यही बात है ना कि मैं मैनेज भी हर बच्चे के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये ना हो बाद में दूसरे बच्चे कहें कि हमारा क्लैश है, तो मैम ने वही कहा है। मैं देखो मैंने आप लोगों को ये इतना मैं फेवर आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप लोगों के पास मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोग सारे आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि आप लोग किस टाइम पे तैयार हो लेक्चर लेने के लिए, ठीक है? तो मैं उस टाइम पे कोशिश करूंगी कि मैं मैनेज कर लूँ, आप लोग खुद से कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दो। वही बात है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्जी से कुछ बच्चों का ख्याल करके जो है टाइम चेंज कर दूँ और बाद में बाकी बच्चे फिर बोलें कि अब ये टाइम हमें सूट नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है, आप देखो वही बात है कि 140 बच्चे हैं, 140 बच्चों सबका क्लैश तो कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है? तो जिनका जिस जगह पे हमारे पास कम क्लैश होगा हम उस टाइम को फॉलो कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ये कि आप लोग ये पहले आपस में डिस्कस कर लो, आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि आप लोगों को क्या टाइम सूट करा है। अगर कम बच्चे हो तो फिर ये है, फिर मेरा भी यही सजेशन है कि आप लोग सर अफनान से थोड़ा सा इन डिटेल बात कर लो कि हमारे ऐसे मसले चल रहे हैं तो आप कुछ देख लें, ठीक है? तो अगर फिर नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, परेशानी वाली बात नहीं कर लेंगे, लेकिन ये कि एक दफा आपस में कोऑर्डिनेट कर लो। देखो ना अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं टाइम ठीक है टाइम रहने, और अभी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं चेंज कर दें, तो इस तरह तो फिर हमारा मसला चलता रहेगा। तो अब वीक में एक लेक्चर है, एक स्लॉट चाहिए, मुझे चाहिए, आप लोगों को चाहिए, तो अपनी मर्जी से मंडे से लेकर फ्राइडे तक मुझे बता दो, ठीक है? मैम वेडनेसडे को, मैम वेडनेसडे को 1 बजे कोई क्लास नहीं होती, सब बच्चों की नहीं होती, काफी दूसरे बच्चे हैं जिनकी होती होगी, वही ना, वही मैं कह रही हूँ कि मेरे पास अगर 140 की स्ट्रेंथ है, मैं कह रही हूँ कि अगर अगर मतलब मैं कह रही हूँ ना कि 1 बजे नहीं होती तो सारे अपने हैंड रेस करके बता दें, जितनी मेजोरिटी कहेगी तो उसके हिसाब से हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो सबने मैसेजेस करने हैं और अभी कोई बात नहीं सुनेगा, अभी वैसे भी स्टूडेंट जो उनसे हैं वो कम है।
अभी तो इसमें भी यानी लेक्चर में भी स्टूडेंट्स कम है, ठीक है, तो आप लोग अपने ग्रुप्स में बात कर लो, अपने व्हाट्सएप जो आप लोगों के ग्रुप्स होंगे यकीनन आप उनमें बात करो, ठीक है, और फिर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर मैम अगर उसमें कुछ डिसाइड ना हुआ तो फिर आप यही टाइमिंग रहने दीजिएगा, क्योंकि हर एक का मसला होगा और हर कोई कहेगा कि मेरा क्लैश है, मेरा क्लैश है। यस मैम, वही तो बात है, वही मैं भी यही एग्जैक्टली यही कह रही हूँ, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग खुद से डिस्कस कर लो, अगर नहीं आप लोगों को सॉर्ट आउट होता तो फिर हम टाइमिंग यही रहने देंगे, अगर कोई मसला हल हो जाता है फिर हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे। मैंने बताया कि मंडे से फ्राइडे तक आप लोगों के पास ये नहीं पूरा वीक है, मैम हम ग्रुप में पूछ लेते हैं, अगर तो टाइम सही हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो मैम या तो आप मतलब सबसे पोलिंग करवा लें जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर आप यही टाइम रहने। जी ठीक है, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं सिर्फ नान से भी डिस्कस कर लूंगी अगर कोई टाइम चेंज होता है तो कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो चीज भी थोड़ी सी हो जाएगी, बाकी आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लो, फिर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, ठीक है, कि क्या आप लोग। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, चलें जी, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, अटेंडेंस में आप लेक्चर भी मैं सेंड कर दूंगी, अटेंडेंस जो है मैं आप लोगों की लगाती हूँ, आप लोगों का जो जूम की रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने मेरा 15 से 20 मिनट से कम का लेक्चर लिया होता है, जो यानी 1 मिनट का है, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का, इस तरह के बच्चों के अटेंडेंस लगाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाती, ठीक है, वो मेरी तरफ से एब्सेंट है, वो क्लास में आएंगे ना आए, ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो सबसे पहली चीज तो क्लास पार्टिसिपेशन आप लोगों की होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कौन सा बच्चा क्लास में बोल रहा है, ठीक है, खामोश जो अटेंडेंस है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात ये कि असाइनमेंट टॉपिक एक बार बता दे, असाइनमेंट टॉपिक आपका ये है कि मॉडल चीज मॉडल इन हेल्थ केयर आप लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है, स्टडी करके आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस करना है, शेयर करना, ओके मैम, LMS पे रिकॉर्डिंग और लेक्चर दोनों अपलोड कर दीजिएगा। हाँ वो मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, अभी कर देती हूँ, LMS में कर दूंगी, और हाँ ये है कि मैं वैसे ईमेल्स वगैरह ऐसे करती नहीं हूँ बच्चों को लेक्चर्स की और मतलब इस तरह प्रेजेंटेशंस की या कुछ भी चीज़ों की, तो मैं LMS पे ही ज्यादा वो करूंगी, ठीक है, तो आप लोग LMS पे अपना जरा फोकस रखिएगा, उसको बोलते रहिए, उसको चेक करते रहिए, ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह